आज का एजेंडा को लेकर। आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राजनीति की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को एक ऑल पार्टी मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने गुपकार अलायंस की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको न्योता दिया है। और आज उसी गुपकार गठबंधन की एक मीटिंग थी और श्रीनगर में, और उसमें ये निश्चय किया है सभी पार्टीज ने, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या सीपीआईएम हो, सारे लीडर्स ने कहा है कि इंडिविजुअली उनको फोन गया था, टेलीफोनिकली होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने उन्हें बुलाया है। एजेंडा कोई तय नहीं किया है, लेकिन ये सारे लोग प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पर जाएंगे। दोपहर 3 बजे परसों यानी कि 24 जून को ये मीटिंग है और ये सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। अब सवाल ये उठता है, कुछ सवाल आज आपके सामने यहां पर खड़े करना चाहती हूं, कि ये वही गुपकार गठबंधन है जिसके लिए बीजेपी क्या कहती थी। अभी जब दिसंबर में आपने देखा था कि जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन के बारे में क्या कुछ कहा था, आज वो आपके सामने दोहराना चाहती हूं। अमित शाह ने एक ट्वीट किया था और उसमें ये लिखा था बिल्कुल साफ शब्दों में कि गुपकार गठबंधन एक गुपकार गैंग है। उनको गुपकार गैंग की परिभाषा दी गई थी और ये कहा था कि गुपकार गैंग इज गोइंग ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल जा रहा है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन फोर्सेस हैं, ये गुपकार गठबंधन चाहता है कि जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो भारत की गतिविधियों में हस्तक्षेप करें। यानी कि गुपकार गैंग इज गोइंग ग्लोबल एंड दे वांट फॉरेन फोर्सेस टू इंटरवीन इन JNK। ये अमित शाह ने लिखा था उस समय। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये वही गुपकार गैंग है जो तिरंगे का अपमान करता है, और फिर उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी बताए कि वो क्या करेंगे, इनका साथ देंगे या इनका साथ छोड़ेंगे। और इसके अलावा भी एक बात कही थी गृहमंत्री अमित शाह ने कि आप या तो नेशनल मूड के साथ तैरिए, नहीं तो पार्टीज आपको, जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो आपको तिलांजलि दे डालेंगे। तो आज वो अमित शाह का ट्वीट सब लोगों को याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने गुपकार गैंग का हवाला दिया था और ये कहा था कि ये वही गुपकार गैंग है जो कि एंटी नेशनल है, और ये तमाम तरीके की बातें कही गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आज मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जिस गुपकार गठबंधन को गाली बक रहे थे बीजेपी वाले, खुद बीजेपी की सरकार उनको उल्टे सीधे परिभाषाओं से नवाज रही थी, तो आज मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि गुपकार गठबंधन से उनको फिर से बात करनी पड़ रही है। गुपकार गठबंधन के लिए क्या लिखा था अमित शाह ने, उन्होंने कहा था कि ये एक अनहोली गठबंधन है, दिस इज एन अनहोली गुपकार अलायंस। और उसमें जवाब भी दिया था महबूबा मुफ्ती ने कि इनकी आदत है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं और फिर अब गुपकार गैंग की बातें कह रहे हैं। तो आज मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां आ गई हैं, अब आपके सामने वो क्या मजबूरी हो सकती है इसको बताती हूं। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से मोदी सरकार को एक दिन सपना आया कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर में शुरू करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चल रहा है कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उसकी बहाली की बात हो सकता है की जाए, लेकिन गुपकार गठबंधन की पार्टीज ने आज ये बिल्कुल साफ कह दिया है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, या यूसुफ तारीगामी हो, या महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने कह दिया है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की जो उनकी डिमांड है, आर्टिकल 35A की जो रिस्टोर करने की उनकी डिमांड है, वो अभी भी बनी हुई है। यानी कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A से गुपकार अलायंस की जो पार्टीज हैं उन्होंने अभी भी कोई समझौता नहीं किया है। यहां तक कि यूसुफ तारीगामी ने मीडिया के सामने ये तक कह दिया है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि वो कोई चीज पर उनसे दस्तखत करवाएगी तो ऐसा नहीं है, और अगर चीजें उनके फेवर में होंगी तो वो उस पर साइन करेंगे, नहीं तो साइन नहीं करेंगे। अब ये बातें कब आ रही हैं, अभी हाल में आपने देखा था कि सज्जाद लोन ने, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, उन्होंने गुपकार गठबंधन को छोड़ दिया था, और उसके बाद ये खबरें उड़ने लगी कि हो सकता है कि जो गुपकार गठबंधन है उसका अस्तित्व मिट जाए, क्योंकि पार्टीज में आपस में थोड़ी सी खटास बढ़ गई है।
और आर्टिकल 370 को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आर्टिकल 370 बिल्कुल गुपकार गठबंधन के लैंडस्केप से हट चुका है, तो ये सारी बातें आज गलत साबित हुई हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला के बीच में नहीं पट रही है, क्योंकि जिस समय महबूबा मुफ्ती से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा था तो उमर अब्दुल्ला ने कुछ नहीं बोला, जबकि महबूबा मुफ्ती ने बोला था जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जब पूछताछ चल रही थी। तो ये तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, आज उन अटकलों पर विराम लग गया है। गुपकार गठबंधन एक है, उसका जो एजेंडा, जिस एजेंडे के आधार पर गुपकार गठबंधन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यानी कि जो आर्टिकल 370 है उसकी बहाली हो, जो स्पेशल राइट्स हैं स्पेशल स्टेट के जो जम्मू कश्मीर के, उसकी बहाली हो, वो मुद्दा आज भी जिंदा है। यानी कि जो गुपकार अलायंस की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर रही हैं। उनका जो काडर है जो बिल्कुल शिथिल पड़ गया था, 6 महीने से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो आज वो सारी एक्टिविटीज एक बार फिर से जिंदा हो गई हैं। अब 24 जून को ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें रखेंगी। अब प्रधानमंत्री उसमें से कितनी बातें मानते हैं, कितनी नहीं बातें मानते हैं, लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि मोदी सरकार इस पॉलिटिकल प्रोसेस को क्यों शुरू कर रही है। रीजन नंबर वन, पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग है पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने की वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर को लग रहा है कि जो मिलिटेंसी है वो कम हुई है, वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसकी सफलता, जो जम्मू कश्मीर में जो बार बार जिस तरीके से मोदी सरकार पीठ थपथपा रही है, तो वो अपने आप में एक सही माहौल है। तो मोदी सरकार को लगता है कि जो टाइमिंग है पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने की वो सही है। दूसरा कारण ये है कि जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है वो काफी बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि सितंबर 11, 2021 तक वो जो अमेरिकन फोर्सेस हैं अफगानिस्तान से वो पुल आउट कर लेगी। तो अमेरिकन फोर्सेस जब पुल आउट करेंगी तो भारत को ये समय लग रहा है कि हो सकता है कि तालिबान और पाकिस्तान अगर एक साथ आ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लिए मुसीबतें शुरू हो सकती हैं, और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मोदी सरकार एक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना चाह रही है। उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की हैं, अलग अलग रीजनल पार्टीज, उनको यहां पर साथ लेकर चलना होगा। तो ये एक कारण है। और दूसरा जो कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार ये बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि साल के मध्य तक, यानी कि अक्टूबर या नवंबर तक, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन ऑन वन बातचीत अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से हो सकती है। तो प्रधानमंत्री को यह भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका उनसे इस तरीके के सवाल करे कि जम्मू कश्मीर में आपने पॉलिटिकल प्रोसेस को नहीं शुरू किया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को लेकर, 4G कनेक्शंस को लेकर बार बार इंटरनेशनल मीडिया में लिखा गया है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम जब उनकी जो बाइडेन से मुलाकात हो तो कम से कम वो ये कह सके कि देखिए हमने स्टेटहुड की बहाली कर दी है, पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत कर दी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आज एक मिला जुला कारण है जिसकी वजह से इस राजनीतिक गतिविधि को शुरू किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। तो मोदी सरकार की जो मजबूरियां हैं वो तो है ही, साथ में जो एक और कारण है कि जो लोकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको क्रिएट नहीं कर पाई है। पहले यही बीजेपी सरकार थी, कह रही थी कि नहीं, जो घिसी पिटी जम्मू कश्मीर की राजनीति है अब उसके टेकर्स नहीं है, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आर्टिकल 370 के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन डीडीसी के चुनाव ने ये सारी चीजें पलट दी हैं, क्योंकि डीडीसी के चुनाव में गुपकार अलायंस को 112 सीटें मिली थी और जम्मू में ही बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी रियलाइजेशन है कि अब जम्मू कश्मीर में अगर गतिविधियों को आगे बढ़ाना है तो बिना वहां की रीजनल पार्टीज को साथ लिए नहीं होगा। और बहुत सारे चेंजेस भी आए, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को एक दो यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया तो उसके बाद वहां पर गवर्नर थे, गवर्नर को हटाया गया, एलजी को लेकर आए, और मनोज सिन्हा जो एलजी बनकर गए उन्होंने वहां पर इस राजनीतिक प्रोसेस की शुरुआत की है। तो बीजेपी सरकार की यहां पर बहुत सारी मजबूरियां हैं, उन कारणों को भी मैंने आपको बताया। और एक तरीके से जो पॉलिटिकल डॉर्मेंसी हम देख रहे थे, एक राजनीतिक शांति जो दिख रही थी, वो एक बार दोबारा जिंदा हो रही है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो दोबारा जिंदा हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी का जो दोहरा चेहरा है वो भी यहां पर सामने आता है कि आज क्या उसी गुपकार गैंग से अमित शाह बात करेंगे,
आज क्या मोदी जी उसी गुपकार गैंग से बात करेंगे जिनके लीडर्स को जेल में डाला था मोदी सरकार ने, तो जो बीजेपी का एक दोहरा चेहरा है वो भी यहां पर सामने सबके सामने एक्सपोज हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीजेपी की अपनी मजबूरियां हैं और वो ये समझ गए हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले वहां पर राज नहीं कर सकती जब तक कि वो बाकी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लेकर नहीं चलेगी।